जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव वनखंडा में बुधवार की सुबह एक महिला ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की सूचना मिलने पर गांव के प्रधान सुरेश चंद मौके पर पहुंचे और शव को ग्रामीणों के सहयोग से नीचे उतारा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वहीं बुधवार की सुबह 8:55 पर 112 को मामले की जानकारी हासिल हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हापुड़ क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। गांव के प्रधान ने बताया कि उमा पत्नी अशोक मानसिक रूप से बीमार थी। इसका अभी मुझे 20 मिनट पहले, अभी आधे घंटे पहले पता लगा कि महिला ने फांसी लगा ली है। मैंने यहाँ के इनके घर पर देखा तो अंदर कमरे पे इन्होंने अंदर पंखे से लटक के फांसी लगा रखी है। तो दो चार लोग बुला के मैंने ये उतरवाया नीचे इनको, और नीचे उतरवाने के बाद में कुछ लोगों से पूछा तो उनकी क्या दिक्कत है, घर की कोई लड़ाई झगड़ा है क्या है? तो लड़ाई झगड़ा तो इनके घर में किसी तरह का है नहीं। तो ये दिक्कत इसको ये है कि मानसिक प्रॉब्लम है, इसकी इलाज भी चल रहा है शायद मेरठ किसी अस्पताल से। आपको बता दें कि मृतका का नाम उमा है। उमा और उसकी बड़ी बहन देवन की शादी गाँव वनखंडा निवासी दो युवकों के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद बड़ी बहन देवन के पति दिनेश कुमार की मौत हो गई, जबकि उमा का पति चालक है जो पिछले 3-4 महीने से घर नहीं आया। मृतक महिला का मेरठ के एक अस्पताल से उपचार भी चल रहा था, जिसने किसी समय अपने कमरे में पहुंचकर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। देवन ने जब उमा को पुकारा तो कोई आवाज़ नहीं आई। संदेह होने पर वो कमरे में गई तो लड़की लाश देख उसके होश उड़ गए। सूचना मिलने पर गांव के प्रधान सुरेश चंद्र लोगों के साथ पहुंचे और पुलिस को मामले से अवगत कराया। मौके पर CO अशोक सिसोदिया, बाबूगढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि मृतका का एक 3 साल का बेटा आयुष और 2.5 माह की बेटी काव्या है। घर में कोहराम मचा है।